अरे लाइट मुकाओ। मुझे मारना है इसे, छोड़। खत्म कर दूंगी इसे, छोड़। और कौन सा सबूत चाहिए आपको? खूनी है, ये हमारे बेटे को मार डाल दिया। संभव है? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? सृष्टि बहू विश्व कैसे मार सकती? नहीं हो सकता ऐसा। लेकिन सृष्टि ऐसा कर पाए रही है? खाओगे ऐसे? नहीं, जब तक सृष्टि खुद अपने मुंह से कुछ नहीं बोलेगी तब तक हम कुछ नहीं मानेंगे। सृष्टि उठो, इसका मतलब हमरे ऊपर कल हमला यही की थी। और इसका दुश्मन तो फीसू से है, और एक आए हमरे खून की प्यासी बन रही है। सृष्टि, सृष्टि सब लोग हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? विष्णु जी, आप दूर हटो यहां से। अनुराग जी, ये विष्णु जी आपको क्या हुआ? आप इतने डरे हुए क्यों हैं? कहीं वो कातिल? दूर हटो यहां से, और अपना ही जो ड्रामा है ना वो बंद करो। काहे के कातिल तुम ही हो? अरे तुम हमारा बेटा का जिंदगी में डायन बनकर आई हो, उसके खून का प्यासी हो। दूर रहना हमारे बेटा से, समझी? सासू मैया क्या कह रही हैं? हम विष्णु जी की जान लेने की कोशिश क्यों करेंगे? इसका जवाब तो तुम खुद ही दे सकती हो। कहे कि आज ना सबने तुम्हें यहाँ चाकू चलाते हुए देख लिया है। लेकिन हम ऐसा क्यों करेंगे? हमें याद है कि लाइट चली गई थी, हम बेहोश हो गए थे। हमने कुछ नहीं किया है। आप लोग प्लीज हमारी बात का यकीन कीजिए। अरे तुम्हारा ये जो यकीन का प्रसाद है ना, कहीं और जाकर बांटना। इसने सिर्फ विष्णु जी पर हमला नहीं किया है, इसने तो हमें भी लहूलुहान कर दिया है। अरे रज तो जानलेवा ना, अपने बदन पर जरा सा खरोंच बर्दाश्त नहीं कर सकती, और इससे तो हमारा खून, हम तो इसका जान ही ले लेंगे। खबरदार, अगर सृष्टि को अकेला समझा तो। और आप सब लोग देख नहीं रहे हैं, सृष्टि होश में नहीं थी, उसको कुछ यादें भी नहीं है। उसने ऐसा काहे किया है ये हमको समझना पड़ेगा पहले। अरे ये होश में तब आएगी जब ये जेल जाएगी। और ये ना अब इस घर में रहने के लायक नहीं, निकालो से यहाँ से। रज्जू सही कह रही है, अब तो पुलिस को बुलाना ही होगा। काहे के ही लड़की एक मिनट के लिए भी इस घर में नहीं रहेगी। आप सब लोग क्या कह रहे हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। विष्णु जी आपको, विष्णु जी आप हमसे बच रहे हैं, इसका मतलब हमने
कुछ किया है, हमने सच में कुछ किया है, लेकिन हमने आप सब लोग पागल हो गए हैं क्या? हमने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं पूरा तो और इसको लड़की को ना अब हम इस घर से बाहर निकालेंगे। दादी जी दादी जी आप तो ना, तुम्हारी सृष्टि भाभी ऐसा नहीं कर सकती। बाबूजी आप तो कुछ बोलिए, आपको आपको तो पता है हमारी जान बचती है विशु जी में, हम उनकी जान कैसे ले सकते हैं? संभालो अपने आप को। अनुराग जी ये चोट हमने आपको नहीं दी है ना, आप प्लीज जाके सबको बताइए हमने कुछ नहीं किया है ना। सृष्टि मैं क्या बताऊं सबको, सब लोग यहाँ मौजूद थे, जो कुछ हुआ है सबके सामने हुआ है। डरो मत बेटा, हम हैं तुम्हारे साथ हैं। विशु नाम मत लीजिए विशु का, कैसे बाप है आप? अपना बेटा का कातिल को बचाना चाहते थे, अरे खून सवार है उसका सर पर, मार डालेगी हमारे बेटा को, लेकिन हम ना ऐसा होने नहीं देंगे। हम अभी पुलिस को फोन लगाते हैं, तो लड़िया फोन दो आपको। पर क्या कर रही है, पागल हुई है क्या? पुलिस को बुलाने से बात ये बात पूरा जिला में फैल जाएगी, जो भी हो पर है तो वो इस परिवार की बहू ना। अरे कितना कितना बदनामी हो गया अपना परिवार का। अभी भी आपको बहू लग रही है और हमको ना आपको ना बदनामी का फिक्र नहीं है, कि हमारा बेटा का जान है ना उनको ज्यादा जरूरी है। आपके मन में क्या चल रहा है हम समझ रहे हैं अच्छे से श्रीमती जी, हम भी तो पिता हैं उसके। पिता है ऐसे होते हैं पिता, पिता तो जो है वो पिता सा करते हैं, उसका मुसीबत में ना खड़े रहते हैं। पर आपने क्या किया, डायन के साथ हमारा बेटा जो है ब्याह करा दिया, हमारा बेटा यहाँ मरने को पड़ा है और आप उसके तमाशा देख रहे हैं। जो कुछ भी कहा वो सब सच हो रहा है, अरे वो मार डालेंगे हमारे बेटा को। हम हमारे बेटा को जो है मरने नहीं देंगे हमने। अरे कुछ नहीं होगा विशु को, कुछ नहीं होगा, आप भरोसा रखिए, आपका पूजा आपका पुण्य
रक्षा करेगा उसका श्रीमती जी। आप हमारे बेटा को जो वो हमारे पूजा पाठ और हमारे कर्म का भरोसा पर नहीं छोड़ सकते ना, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम अनुराग अनुराग को भी हम अनुराग को देख कर आते हैं अभी। कहाँ जा रहे हैं आप श्रीमती जी? देखिए आप हमारा बात सुनिए, इस समय सबसे ज्यादा बिस्सू की जरूरत है। वैसे भी घर में सब परेशानी तो है, रागिनी बहू अनुराग को मलम लगा रही है, दिव्या दादी के पास किसके पास जाएंगे? आप ना आप सबको बता दीजिए, हम बिस्सू के पास रहते हैं, कुछ भी हो सकता है। कुछ नहीं होगा अपने बेटा को, कुछ नहीं होगा विशु को। इस समय में ही चुड़ैला भूत के बारे में सोच ले, बिसु बाबू के बारे में सोचो ना, अभी उनको तुम्हारा जरूरत है। हम जो है वो बिसु के पास रहते हैं, आप अनुराग और दिव्या के पास जाइए, उनको संभालिए, हम इधर हैं। ठीक मिस्टर जी, आप पापा चुप खड़े तमाशा का ही देख रहे थे, आज आप कुछ बोले काहे नहीं? सिस्टी सबके सामने कितना अकेली पड़ गई थी, सासू मैया तो पुलिस को बुलाने का भी बात कर रही थी, तब भी आप कुछ बोले काहे नहीं? सारी मिस्टर जी सारी, जो घर वाले सब सोच रहे हैं आप भी वही सच मान रहे हैं का? अपनी आंखों से देखी हुई बात को मैं ये झूठ भी तो नहीं मान सकता ना, पूरा परिवार वहां पे मौजूद था, तुम भी तो थी ना वहां पे, हम सबने देखी थी सिस्टी की कंडीशन। अगर मैं सही वक्त पर वहां नहीं पहुंचता तो दीपर जी को कुछ नहीं हुआ है मिस्टर जी, दीपर जी सुरक्षित है, हम तो ना सृष्टि के लिए परेशान थे, दीपर जी से बहुत है प्यार करती है वो, हम मानते हैं कि आज जो कुछ भी हुआ है वो हम सब ने अपनी आंखों से देखा है, लेकिन मिस्टर जी ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आंखों देखा कभी झूठ हो, आंखों देखे बात झूठ हो सकती है रागिनी, लेकिन आज जो कुछ भी सृष्टि ने किया है ना, सृष्टि ने कुछ नहीं किया है मिस्टर जी। क्या मतलब है तुम्हारा? हमारा मतलब है कि आपने देखा था जो सृष्टि हमारे देवर जी पे हमला कर रही थी वो हमारी सृष्टि नहीं थी, जब सासू मैया ने उसके मुंह पे पानी फेंका था तो वो ऐसा लग रहा था जैसे नींद से जाग गई हो, उसको कुछ याद ही ना हो, हमारी सिस्टी नहीं थी वो। मुझे मारना है से, छोड़। I think you're right, Ragini. ये सब नॉर्मल नहीं है, मैंने पढ़ा है इसके बारे में, मुझे ऐसा लगता है कि सिस्टी को कोई मेंटल डिसऑर्डर है, क्योंकि जब मैंने सृष्टि को अपनी ओर खींचा था तो उसके अंदर
दरअसल मैंने कुछ अजीब सी पावर महसूस की थी, एक ऐसी पावर जो किसी नॉर्मल इंसान में नहीं होगी। इसका मतलब सृष्टि को कोई मेंटल डिसऑर्डर हुआ है। से ठीक 15 दिन बाद इस बच्चे की पत्नी इसके मृत्यु का कारण बन सकती है। सृष्टि संभालो, क्या कर रही हो भाई? क्या बताएं आप? का है फेंक रही हो सब? हमें पता, हमें क्या करना है? अरे बक्से का कीजिएगा आप भाई? नहीं बताती, आपको क्या समझ में आएगा? अरे बताइएगा क्या हो रहा है? रज्जो रानी ना अपना सुरक्षा का उपाय कर रही है। सुरक्षा का उपाय? रज्जो रानी हमको समझा नहीं, क्या कर रही है भाई आप? अरे सैया जी, आपका ये जो समझ समझ के ना समझने का नाटक कर रहे हैं ना, ये बहुत ही बेकार है। अरे आपको पता है ना घर में क्या हो रहा है? घर में दिन पर दिन पूरा का पूरा माहौल बदल रहा है। और एक बात बताओ, सबके पीछे कोई ना कोई है, लेकिन हमारे साथ कोई भी नहीं है। लेकिन रज्जो जानलेवा को ना अपना सुरक्षा खुद ही करना होगा, और हम अच्छे से जानते हैं कि रज्जो जानलेवा ना कैसे अपना जान का सुरक्षा करेगी। तमंचा कहाँ से आया भाई? रखिए इसको अंदर आप। अरे रुक जाइए सैया जी, अब देखिएगा कसम अंजलिना जूली की, ये जो तमंचा है ना, ये हमरे साथ उठेगा और हमरे साथ ही सोएगा। पकड़ा गई है कब? हमें ना आपको आत्मन के रूप में जान सकते हैं। सच बात तो ये है, आप ही हमारी हिम्मत और उम्मीद दोनों है। हम आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। चली जाइए आप यहाँ से, दूर चली जाइए। विशु जी हमारी बात सुनी, हम आपको जी, हम कह रहे हैं आप दूर चली जाइए आप। विशु जी हम आपको कभी नुकसान नहीं पहुँचा सकते, आप प्लीज हमारी बात का यकीन कीजिए। मैं आपकी कोई बात नहीं सुननी है, आप चली जाइए, चली जाइए आप यहाँ से। विशु जी हमारी बात सुनिए, आप हमारी आंखों में आके डाल के देखिए और हमें बताइए कि हमें डर है। विशु जी, विशु जी हम कह रहे हैं हमें आपके पास नहीं रहना, अब हमारे रास्ते से हट जाइए। हम माँ के पास जा रहे हैं सोने, हम दूर रहिए, हम माँ के साथ रहने जा रहे हैं। आप हमारे रास्ते में बताइए। विशु जी हमारी बात तो सुनिए,
आप यहाँ से दूर चले जाइए, कह रहे हैं आपसे दूर चले जाइए। तुम भी यही बताने आई हो ना कि हम वीशु जी के कातिल हैं। हमने वीशु जी को फिर तो हमें घर में से खुला अकेले घूमना नहीं चाहिए, हमें तो कमरे में बंद कर देना चाहिए। अगर हम ऐसे खुला घूमे तुम्हारे देवर जी की चाह।